have dialed has been changed. Welcome back to Kirti Day. So I thought ki let's sit today and do what's in my makeup bag. So yeah, I saw everyone is doing what's in their makeup bag challenge, so why not? So yeah, main aaj dikhane wali hu ki mera makeup bag hai. Kya kya samaan hai? I mean kya kya makeup hai? So yeah, are you guys excited? Let's see. So ye bag छोटा है बट इसमें काफ़ी कुछ फिट हो जाता है. दिस बैग माई मॉम बॉट फ्रॉम डीमार्ट आई गेस. आई डोंट रिमेम्बर बट या एंड सामान निकलने वाला है सर. डोंट जज मी क्योंकि मैं बहुत सामान इसमें भर के रखती हूँ. इमरजेंसी यू नो कभी कुछ भी लग जाता है. This is Lakme Absolute. This is a moisturizer and I have really dry skin. I'm a dry skin person and this works for me. Really good. I love it. This is my go-to moisturizer. This is my favorite and ये मेरे bag में रहता है क्योंकि हमेशा कभी भी बाहर जाओ अगर face wash करो makeup remove करो बाहर तो मैं ये moisturizer लगा के I'm done. So yeah, eyeshadow palette. Which is my favorite and ये palette मैंने रखा है क्योंकि इसमें जो इसमें जो shade है ना ये और ये दोनों मेरे favorite है and मैं ये बहुत use करती हूँ. So मैंने ये रखा है अगर emergency कुछ रहा है मुझे eye shadow की ज़रूरत पड़ी. So yeah, very nice. And this is a highlighter. Highlighter भी मैंने रखा है. ये अभी गिरा मेरे हाथ से टूट गया है but yeah this is very nice highlighter. I have a bombshell perfume which is Victoria's Secret bombshell and this perfume is really nice. I mean I love this perfume. This is I use this agar main bahar hu perfume nahi hai. So yeah I love this perfume. Next I have beauty sponge. This is from Miniso and this is so soft and very subtle and I like it. Next I have eyelash curler. This is a life saving right. I mean can't do without this. This is very nice. Okay, so this is next I have in my bag is Lakme 925 new voluminizer ultra care mascara. Yeah, this is such a good mascara and this is not a expensive but yeah you can definitely afford it. This is really nice mascara and gives a really voluminous lashes. I mean मैं fake lashes नहीं use करती because मुझे बहुत heavy heavy feel होता है. So I always use this mascara. This is really nice. I have another mascara in my this bag which is a MAC Naughty Lash mascara. One of my friends suggested me to buy this mascara but this is okay okay type. It is a very dark and bold texture but not I mean it's fine. It's not good. Wow. It's fine. I mean या अगर कुछ नहीं जाएगा तो यही चल जाएगा वाला मस्कारा है ये. नेक्स्ट आई हैव कलर बार का आई लाइनर एंड दिस इज़ वाटर प्रूफ आई लाइनर बट यू नो वाटर प्रूफ आई लाइनर होते हैं जो कैसे निकल जाते हैं ये उनमें से नहीं है. ये बहुत अच्छा आई लाइनर है एंड कीप्स अ रियली डार्क टेक्सचर वेरी नाइस. नेक्स्ट आई हैव दिस मिनू छोटू सा वैसलिन या वैसलिन लिप बाम एंड ये कभी कभार मैं फेस पे भी यहाँ पे लगा लेती हूँ बट दिस इज़ अ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली साइज वेरी नाइस. नेक्स्ट आई हैव लैकमे सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट पाउडर. अगर आपको आप अगर धूप में जा रहे हो एंड आप सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते हो तो आप अगर मॉइस्चराइजर पे अगर ये कॉम्पैक्ट लगा लोगे आपका काम हो जाएगा विच इज़ वेरी नाइस. मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ ये हमेशा नहीं बट ये मेरे बैग में है. अनदर कॉम्पैक्ट आई हैव इज़ अगेन फ्रॉम लैकमे 925 एंड आई ऑलमोस्ट फिनिश दिस. दिस इज़ रियली नाइस. ये हमें मतलब कब जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ. बहुत पसंद है मुझे. नेक्स्ट आई हैव दिस कॉम्पैक्ट इसमें कंसीलर भी है एंड नीचे कॉम्पैक्ट है. ये मैंने बहुत यूज़ किया है. ये फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट बट रियली नाइस.
Okay, next I have my Lakme Go-To Cream. Lakme CC Cream. हमेशा यूज़ करती हूँ ये, मतलब अगर मुझे कहीं पे बाहर जाना होता है, मार्केट जाना होता है, फिर कॉलेज जाना होता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ. बहुत छोटू सा है, बैग में भी कहीं पे रख दूँ आ जाता है. नेक्स्ट आई हैव ओलिविया का आई लाइनर. आई डोंट नो ये मेरे बैग में क्या कर रहा है, बिकॉज मैं ये नहीं यूज़ करती ज़्यादा, बिकॉज मैंने बोला ना कि वैसे निकलने वाला रहता है ये, वैसा है बट ये निकलता नहीं है. बट यू नो ग्लॉसी ग्लॉसी लाइनर आई डोंट लाइक यार, ये वैसा है. ये मुझे ना कॉलेज में मैं फैशन शो करती थी तभी मुझे ये हैम्पर मिला था ओलिविया का, उसमें का है ये. एंड मैं ये काफ़ी कम यूज़ करती हूँ. मेरे पास कुछ ऑप्शन जब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है तब मैं ये यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट आई हैव अगेन ओलिविया का काजल. ये भी मुझे उसी में से मिला था जो मैंने अभी अप्लाई किया है. एंड ये काजल मुझे बहुत पसंद है. अगर आपको स्मोकी आई लुक करना रहेगा तो ये काजल से कर सकते हो, बहुत बेस्ट है. स्मज होता है इजीली. नेक्स्ट आई हैव दिस कलर बार का कंसीलर स्टिक. बहुत अच्छा है, आई मीन बहुत छोटू सा ये, हैंडी है, बहुत आ जाता है. एंड आई रियली लाइक दिस. बहुत पुराना है ये, आई गेस इसको एक साल हो चुका रहेगा बट ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. रियली नाइस, आई मीन बहुत ऐसे पैची लुक मतलब नहीं देता ये, बहुत ऐसे सटल हो जाता है फेस पे. सो थम्स अप फॉर दिस. ओके लाइनर, क्योंकि मेरे पास लिप लाइनर बहुत है, मैं लिप लाइनर एज ए लिपस्टिक यूज़ करती हूँ. सो आई हैव दिस लैक्मे का शार्पनर. बहुत गंदा हो चुका है वॉश. सो ये ब्रशेस मैंने रखे हुए हैं क्योंकि टचअप, यू नो टचअप के लिए रखे हुए हैं. ये स्पूली नहीं है मेरे पास बट ये ब्रश मैं यूज़ करती हूँ. ये आई शेडो के लिए रखा है मैंने. एंड ये मैंने अभी बोला ना स्मोक किया है अगर, तो इसलिए मैंने ये रखा है. एंड ये मैंने फोर लिप लाइनर जो कि ये शार्प कर करके ख़त्म हो चुके हैं. बट ये लिप लाइनर है बट मैं एज ए लिपस्टिक यूज़ कर देती हूँ. अभी भी मैंने इनमें से एक शेड लगाया जो कि मेरे बैग में नहीं है, वो मेरे वैनिटी में है. बट या रियली लाइक दिस. ये क्या पता कौन सा है, मिस क्लेयर का है ये. बहुत अच्छा है ये. VLCC का लिप बाम. ये कलर लिप बाम है. सो मुझे कलर लिप बाम बहुत पसंद है. आई एम ऑब्सेस विद कलर लिप बाम एंड द फ्लेवर, क्योंकि यू नो खाने की आदत होती है. सो दिस इज़ रियली नाइस. एंड मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है मैंने. And smells really good, really good. This Maybelline का baby lips का which is a waste of money. But I don't like this. But I don't know ये मेरे बैग में क्या कर रहा है, मुझे फेंकना चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत बकवास है. यू नो ये आपके lips अगर आप लगाओगे ना, आई मीन इट डजेंट वर्क फॉर मी एट लीस्ट. बिकॉज ये लगाओगे तो आपके lips बहुत पैची ड्राई हो जाते हैं, यू नो वो स्किन निकलने स्टार्ट हो जाता है. वैसा है ये, जितना प्रमोट कर रहे थे Maybelline उतना ये नहीं है यार. लिपस्टिक्स मैंने एज अ बैकअप के लिए रखा है, अगर कभी मुझे लिपस्टिक की ज़रूरत पड़े एंड मेरा शेड मुझे नहीं मिल रहा हो. इसलिए मैंने सारे न्यूड्स है, खाली हो चुका है, इतना सामान था मेरे बैग में. एंड या यही सब था मेरे बैग में. ये मेरा गो टू मेकअप है. मैं अपना ये बैग किसी बैग में डाल देती हूँ, निकल जाती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है. लाइक सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी एंड प्लीज़ स्टे होम. बाय.